हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू जहांगीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 से आप सभी के सामने हाजिर हूँ आज एक नए सदस्य के साथ जो कि टीम 360 के साथ में जुड़ चुके हैं और टीम 360 का ऑथोराइजेशन सेंटर ले चुके हैं। आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और आप सभी को इनका एक्सपीरियंस जानने का मौका मिलेगा। आज बिहार से मिस्टर नवीन जी जयपुर राजस्थान 2 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में अपना एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर करने जा रहे हैं कि किस तरह से कंपनी में उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने के बाद में कंपनी ने उन्हें कैसा रिस्पॉन्स दिया और जब वो जयपुर आए तो 2 दिन की ट्रेनिंग उनकी किस तरह से रही। तो चलिए चलिए मुलाकात करते हैं नवीन जी से और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले टीम से 6 सभी मेंबर को मेरे तरफ से धन्यवाद जो जिन्होंने मेरे अपने टीम में शामिल किया और फ्रेंचाइजी दी। मैं बिफोर 1 ईयर से टीम 60 के कांटेक्ट में था, फोन से अंजू मैम और विपुल सर के कांटेक्ट में। इन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सही सही जानकारी दी जो आज के नए एजुकेशन में टेक्निकल शिक्षा की बहुत भूमिका है, जिससे आप अर्न भी कर सकते हो और आप अपनी समाज में प्रतिष्ठा भी बना सकते हो। इसके कारण मैं मोटिवेट होकर के टीम 60 से जुड़ा और आज मैं यहाँ राजस्थान आकर के 2 दिन का ट्रेनिंग लिया। डीएमआईटी के बारे में, मिड बैंड एक्टिवेशन के बारे में, ये सारी जानकारी लेने के बाद मुझे अच्छी फीलिंग हुई और शिक्षा में किस तरह से किसी मार्गदर्शन किया जा सकता है, एक सटीक जानकारी साइंटिफिक तरीके से देने के बाद बच्चे की सही भविष्य का निर्माण हो, इसकी जानकारी हमें टीम 60 के डीएमआईटी टेस्ट में मिला और ये जा करके मैं अपने शहर में अपनी जगह पे खुद लर्न करके उसके बाद दूसरों को अच्छी तरह से इन्हें जानकारी दूंगा और उनकी डीएमआईटी टेस्ट भी करूँगा और उसके बाद उन्हें सही मार्गदर्शन दूंगा। टीम 60 के निर्देश में इनकी जानकारी लेते हुए मैं आगे वर्क करता रहूंगा। थैंक यू सो मच नवीन जी, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे सभी दर्शकों के साथ में शेयर किया और कंपनी पूरा सपोर्ट आपको करने वाली है। आप जाइए, जाके पहले प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस के बाद में जल्द से जल्द हमें सेमिनार के लिए बुलाइए ताकि हम आपको सपोर्ट कर सकें। तो इसी तरह से जैसे नवीन जी ने आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर किया, उसी तरह से हमारी सभी टीम मेंबर्स हमारी आईवी फ्रेंचाइजी को अपना अपना एक मैसेज शेयर करती है और उनको शुभकामनाएं देते हैं। तो उस तरफ आगे बढ़ते हैं और सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वन बाय वन आके अपना अपना एक्सपीरियंस और अपनी शुभकामनाएं नवीन जी को दें। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और हमारे बीच मौजूद हमारी आज की फ्रेंचाइजी नवीन जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने अपना आज कंप्लीट कर लिया है। अब ये आज अपने शहर जाने वाले हैं। जाते जाते छोटा सा मैसेज मैं जरूर देना चाहूंगी सर, डीएमआईटी मिडब्रेन का आपने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है, इस इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाए। जिस तरीके का सपोर्ट कंपनी से आपको चाहिए, उस पूरे जो है आफ्टर सेल सर्विस का लाभ उठाते हुए आप अपने नए विजन के साथ में अपने शहर में इस काम की शुरुआत करें। और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूं और एक बार फिर से आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूं। यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट से अवगत करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कॉन्सेप्ट से जो है लाभान्वित करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने बोलने का मौका दिया और सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टीम 360 की तरफ से, मेरी तरफ से नवीन सर को कि नवीन कार्य करने जा रहे हैं, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले अपने एरिया में। क्योंकि पहला कदम यही होता है जब आप इतनी सारा विजन लेकर चलते हैं कि नहीं, मैं भी अपने एरिया में स्कूल्स करना चाहता हूँ, मैं भी अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि डीएमआईटी क्या है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बेनिफिट क्या है। तो ये सारे दिमाग में, आपके दिमाग में चलता है भाई यार मैं करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ। तो करने के लिए पहला स्टेप तो यही है कि आपको जयपुर ऑफिस आके ट्रेनिंग लेनी है। तो आपने ट्रेनिंग ली, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे जाके इस प्रोग्राम को जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो इसके लिए आप हमारी तरफ से, आप अकेले नहीं हो, हमारी तरफ से सारे टीम मेंबर का आपको सपोर्ट है। जब भी आप कहीं भी किसी स्कूल में बात करने के लिए जाते हैं, जब भी आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारी तरफ से हेल्प ले सकते हो। सेमिनार में हमारी तरफ से टीम आती है, सेमिनार करके आपको जितने भी बच्चों के एडमिशन्स है वहाँ तक की प्रक्रिया पूरी करके देते हैं और साथ ही साथ बच्चों के स्कूल सेमिनार के बाद अगर क्लासेस में भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारे टीम मेंबर हमेशा तैयार है।
ट्रेनिंग के लिए ट्रेनर्स भेज देते हैं। बस वही है कि आने जाने का, रहने रुकने का जो चार्जेस है वो आपको पे करना पड़ता है। बाकी आप जो भी इनकम करते हैं वो इनकम पूरी पूरी आपकी रहती है। जो भी आप एडमिशन करवाते हैं, जो भी आप फीस लेते हैं, वो फीस आप ही रखते हैं। बस ट्रेनर जो आएंगे उनके आने जाने का, रहने रुकने का जो एक्सपेंस है वो करना पड़ता है। अब मेरे पास जैसे मैं कई बार कॉल्स पे बात होती है, कई लोगों से बात होती है, अभी आज ही एक व्यक्ति से बात हुई। तो क्या है कि हम जब कोई चीज़ देखते हैं मार्केट में, कोई चीज़ सर्च करते हैं कि DMIT, ओके मैंने पहली बार सुना DMIT, अच्छी बात है। अब DMIT देखते हैं तो हम नेट पे भी सर्च करते हैं क्या टीम 360 के अलावा भी और कोई कंपनी कर रही है क्या। अब कर रही है तो मार्केट में कई कंपनियां हैं जिनको आप देख सकते हैं कि हाँ कर तो रही है। अब ऐसा ही एग्जाम्पल आज मेरे सामने आया, कोई व्यक्ति है जो कि अपने DMIT के लिए बहुत एक्साइटेड थे करने के लिए, उनको करना ही है, कंसेप्ट सारी चीज़ें समझ में आ गई। 2018-19 में उन्होंने कहीं से फ्रेंचाइजी ली होगी, मैं इस प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो के माध्यम से नाम नहीं लेना चाहता कोई भी XYZ कंपनी। अब नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि कंपनियां कई है, उनके सारों का एक जिस्ट मैं निकाल के दे देता हूँ। आप देख लीजिए कि जो भी कंपनियां ये DMIT मिड ब्रेन एक्टिविटीज़ कर रही हैं तो आप उनका यूट्यूब पर देखिए, यूट्यूब पर क्या उनके वीडियोज़ मांग लीजिए कि कौन से स्कूल में उन्होंने DMIT मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम उन्होंने किया है। एक भी आपको वीडियो मिल जाए तो आप बता दीजिए। वो उसके लिए मैं ऑन इस प्लेटफॉर्म पे बोल सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप हमारी तरफ से फ्रेंचाइजी फ्री में लेकर जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपके सामने इस DMIT मिड ब्रेन एक्टिवेशन का प्रोग्राम स्कूल में कर रही है, एक वीडियो मिल जाए तो आप भेज दीजिए। अब मैं इसलिए ये बात को कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जिनसे मेरी बात हुई थी उन्होंने 2018 में फ्रेंचाइजी ली थी। मैंने पूछा आपने कितनी फीस दी, क्योंकि 1,20,000 कंपनी तो लेती है ना, तो आप देखते हैं कि यार कोई सस्ते में मिल जाए, काम ही तो करना है ना। स्कूल्स करवाती है टीम 360 तो कोई बात नहीं, हम इंडिविजुअल हमारे तो कई कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें हम कर लेंगे। तो आपने 18,000 में, 20,000 में, कई मार्केट्स में कंपनियां हैं जो 9,999 में भी ये कॉन्सेप्ट दे सकती है। तो मैंने पूछा अच्छा 18,000 में लिया, अच्छी बात है, आपने कितने बच्चों के DMIT कर लिया। उन्होंने साफ सुथरी भाषा में यही बोली, मैंने खुद का भी DMIT नहीं किया। जब आप खुद का ही DMIT नहीं करते हैं तो आपको क्या मतलब, आपने खुद का ही DMIT अभी तक नहीं किया जो करना चाहिए। अभी नवीन जी यहाँ पे ही है, यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग ली। सबसे पहले तो हमने कहीं और किसी और का ना करके इनका खुद का ही DMIT करके इनकी रिपोर्ट बना के काउंसलिंग इन्हीं की कर दी। ऐसे ही आप अपने साथ में ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, बच्चों का भी DMIT करवाना चाहते हैं तो उनकी भी DMIT हो जाती है। सार ये है कि जब कोई व्यक्ति आप फ्रेंचाइजी लेकर अर्निंग ही नहीं कर पा रहे, 18,000 में आप फ्रेंचाइजी लेकर आ रहे हैं, खुद का भी DMIT नहीं कर पा रहे, तो उसका क्या मतलब है। मैंने पूछा आपने कितने DMIT किया, खुद का भी नहीं किया, कोई इनकम की होगी, कितनी इनकम करी, तो उन्होंने बोला शून्य। अब शून्य 10 हो या 15 हो उसका कोई मतलब नहीं है, शून्य उन्होंने इनकम करी है। तो आप साफ सुथरी भाषा में ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति 18,000 में, 20,000 में, 15,000 में फ्रेंचाइजी लुकिंग जोन में रहता है और ट्रेनिंग लेकर वो काम ही नहीं कर पा रहा है तो उस फ्रेंचाइजी का मतलब क्या। हाँ, हमारे लिए एक तसल्ली हो जाती है, खुशी हो जाती है, अरे क्या टीम 360 1,20,000 में दे रही है, देख मैंने 18,000 में ले लिया, देख मैंने 15,000 में ले लिया, 9,999 में ले लिया। यहीं तक मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई सर, टीम 360 की तरफ से आगे बढ़िए, काम कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू मैम, मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए। जैसा कि हमारी MD मैडम अंजलि मैंने जैसा कहा कि आप यहाँ से जब जाएंगे तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमने आपको इतना सारा टेक्निकल मटेरियल दिया है, आप कम से कम एक महीना जाके उसकी खूब गहन अध्ययन कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि कभी स्कूल में आप जाओ तो कोई प्रिंसिपल डायरेक्टर आपको कोई भी ऐसा सवाल पूछे टेक्निकल सवाल तो आप फटाक से आंसर दे सको। एक आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकेगा तो सामने वाला आपकी बात मानेगा और आपको स्कूल करने का मौका देगा। और दूसरा, ये बिहार से इतनी दूर से आए हैं, इसके लिए इनके जज्बे की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि हिम्मत करके आए हैं, 2 दिन की ट्रेनिंग ली है, उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया है, ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखा है, बहुत इनको अच्छा लगा है, इसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो व्यक्ति समाज सेवा का एक विज़न लेके चलता है कि ये अपना बिजनेस तो कर ही रहे लेकिन ये चाहता है कि मैं समाज सेवा भी करूँ, हमारे जो देश के नौनिहाल हैं उनकी छुपी प्रतिभा निकाल कर उनका प्रॉपर यूज़ करके उनका करियर को संवारूँ, तो उससे बड़ी और कोई हमारे समाज सेवा हो नहीं सकती। तो इनके इस जज्बे को भी मैं सलाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं सपना सनी, मार्केटिंग मैनेजर टीम 360।
आई हुई फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत बधाई। और 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने कंप्लीट किया है, अब ये प्लेस पे जाके वर्क स्टार्ट करने के लिए रेडी है। तो जाते जाते मैं इनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने प्लेस पे जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करें, और किसी भी तरीके से कंपनी के सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी दी गई है तो ईमेल आप हमें कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो जो यहाँ पर फ्रेंचाइजी आए हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, और हमारी ऑल टीम की तरफ से इनको तहे दिल से धन्यवाद कि इन्होंने अपना एक जो है मानस बनाया और इन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग जो है अटेंड किया हमारे साथ जुड़ के। तो मैं आशा करती हूँ कि ये अपने शहर में जा कर के जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है DMIT से अवगत कराए, मिडबैंड के बारे में जो है जानकारियाँ दे, डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप के बारे में जो है सभी स्टूडेंट्स को जानकारियाँ दे, ताकि वो जो है जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिल सके। तो ये सारी जो भी कॉन्सेप्ट इनको बताया गया है वो अपने शहर में जा कर के जो है लोगों को बताए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उनके इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर। सभी को नमस्कार, मेरा नाम विनीत शर्मा है और जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम लोगों के भी फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। तो हमारे साथ में फ्रेंचाइजी के एक नए सदस्य हमारी टीम में जुड़ चुके हैं जिनका नाम है नवीन जी। इन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने जो इस मिशन को उठाया और हमारे साथ टीम में जुड़े हैं, और इस कंसेप्ट का ये अपने बिहार में अपने क्षेत्र के अंदर सभी लोगों को बहुत अच्छा जो है लाभ पहुंचाएंगे, और वहाँ के एक एक बच्चे का DMIT कर उनके करियर के बारे में उन्हें बता सकेंगे ताकि वो सही डायरेक्शन पे चल सके। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अभी मेरे से पहले रवि सर ने आपसे जिक्र किया, उन्होंने बताया चूँकि उनका भी कॉलिंग का अपना अनुभव है और हम लोग भी कॉल्स अटेंड करते रहते हैं चूँकि हमारे पास में कई कॉल्स आते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से आपको ये चीज़ बताई कि लोग टीम 360 की जो फ्रेंचाइजी फीस है 1,20,000, और वही चीज़ आपको मार्केट में आपकी जिज्ञासा के कारण आप जब YouTube पे सर्च करते हैं और आपको देखने को मिलता है कि 10,000 में मिल रहा है। कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो फ्री में देने के लिए भी आगे निकल पड़ते हैं, फ्री में देंगे, कोई कहता है 56,000, 60,000, 62,000, 40,000, 22,000 डॉलर की तरह रोजाना रेट उनका चेंज होता है। ये हम लोग अक्सर जो है सुनने में आता है हमारे, और जैसा रवि सर ने इस चीज़ के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित किया तो मैं भी यहाँ पर उन्हीं की बात को कंटिन्यू करके ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग भी सुनते हैं। और हम लोग जब कॉल्स आती है, चूंकि मैंने कल ही एक कॉल अटेंड करी और मैं आश्चर्य कर रहा था कि एक इंसान ने हमारे को ये जानकारी दी कि मार्केट में ऐसा भी चलता है कि DMIT के भी कई तरह के नाम हैं, जो कि आप अपनी जिज्ञासा से YouTube पे सर्च जरूर करते हैं कि हमें कहीं से सस्ता मटेरियल मिल जाए और हम तेजी से काम कर लें। ऐसा क्या है टीम 360 के पास में, स्कूल इन्होंने किए तो हम भी कर लेंगे, लेकिन हम इतना पैसा क्यों दें? हम 9,999 में तरह तरह के DMIT लाएंगे, तरह तरह की मतलब मिनी DMIT, बेसिक DMIT, 60 पेज की DMIT, 36 पेज की DMIT, 78 पेज की DMIT। ये मैं तो आश्चर्य करता हूँ, DMIT एक ही होती है लेकिन इतने सारे पेजेस अलग अलग, मिनी DMIT 8 पेज की DMIT, इतनी सारे DMIT अलग बनाने की आवश्यकता पड़ती कहाँ है? पहले तो हमें खुद को अपना विवेक यूज करना चाहिए, सोचना चाहिए क्यों जरूरत पड़ती है ये DMIT। तो एक ही 36 पेज की वर्ल्ड वाइड फेमस एक ही DMIT रिपोर्ट है, फिर इतने पेजेस को एड ऑन करने की क्या आवश्यकता है? कुछ अलग चीज निकल जाएगी? नहीं। क्या सस्ता दे रहे हैं वो लोग? नहीं दे रहे। तो क्या ऐसी चीज है? ये तो वही व्यक्ति कर सकता है, इतने पेजेस का अपडेशन करना, घटाना, जोड़ना, ये वही इंसान कर सकता है जो सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी हो। अगर आपको लगता है कि आप सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी से DMIT लेकर और स्कूल में काम कर लेंगे, जिनको ABCD नहीं आती, स्कूल के अंदर काम करने का अनुभव नहीं है, वो केवल सॉफ्टवेयर बनाना जानते हैं, जो तरह तरह के सॉफ्टवेयर बना दिए जैसे GST का, VAT का, सर्विस टैक्स का, और भी तरह तरह के जो सॉफ्टवेयर बनाने की ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने इस तरह के बना दिए। अब आप गुमराह हो जाते हैं कि हम तो तरह तरह की DMIT मिल रही है और आपके पास तो एक ही है। तो मैं आपको इसके पीछे नुकसान बता देता हूँ। आपको पहला सीधा सा एक नुकसान ये होता है कि आप सस्ता देख के DMIT ले लेते हैं, 8 पेज की, 10 पेज की, 20 पेज की, 100 पेज की, 77 पेज की DMIT, उसके बाद उसको लेके करेंगे क्या?
आप खुद सोचो कि क्या करोगे 77 पेज का। डीएमआईटी कंसेप्ट तो स्कूल के लिए है, कोचिंग सेंटर के लिए है, बच्चों के लिए है, और सबसे ज्यादा अहम है 10th क्लास के बच्चे के लिए। उसको 11th में क्या डायरेक्शन देना है, 10th के बच्चे एक साथ बल्क में कहाँ मिलेंगे, स्कूल में। स्कूल तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास तो सॉफ्टवेयर की महारत है, आप स्कूल का तो एक्सपर्टाइज रखते नहीं है। तो अपने को स्कूल का अगर एक्सपर्टाइज रखना है, स्कूल में जाना है, तो आपको टीम 360 के पास ही आना पड़ेगा। और जैसा रवि सर ने आपको जानकारी दी, वैसे ही मैं भी आपको इनकी बात कंटिन्यू करते हुए कह रहा हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आप पूरी अच्छी तरीके से ढूंढ लीजिए, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ढूंढ लीजिए, आपको कहीं कोई ऐसा एक भी, अगर ऐसा कहीं कोई भी ऐसा वीडियो अगर सिंगल मिले जहां पे स्कूल ड्रेस में बच्चे बैठे हैं और डीएमआईटी पे 77 पेज वाले लोग सेमिनार कर रहे हैं, अगर 77 पेज के लोग सेमिनार करते हुए अगर आपको एक भी जगह मिले तो आप हमारे को नोटिस करा सकते हैं, हमें बता सकते हैं, तो हम आपको फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोग सॉफ्टवेयर की महारत हासिल रखते हैं और वो उनकी नॉलेज की वजह से आप स्कूल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज मैं आपको जानकारी दूं कि आफ्टर सेल सर्विस के बारे में बताऊंगा कि अभी हाल ही में आपने, आप लोगों से मुखातिब हुए थे पिछली बार फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस में, तब भी मैंने बात शेयर करी थी और अभी भी मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं कि अभी लेटेस्ट हम लोग यूपी में सेमिनार करके आए स्कूल के लिए। तो जिस पर्सन के हम पास गए थे आफ्टर सेल सर्विस के तहत, जैसा कि हम लोग जाते हैं, उन्होंने जानकारी दी कि सर यहाँ एयरपोर्ट नज़दीक में है लखनऊ का, मैं आपको बुला भी सकता हूँ लेकिन इतना बजट नहीं है क्योंकि ये जो कोरोना के कारण इतनी फाइनेंशियल स्थिति हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसके बावजूद भी हमने कहा चलो यार सेमिनार करना है, अपनी फ्रेंचाइजी सपोर्ट करना है, तो हम बाय कार वहाँ गए। हमारे यहाँ जयपुर से वो एरिया पड़ता है 1000 किलोमीटर, 982 किलोमीटर के आसपास है, तो हमने कहा चलो यहाँ से जाएंगे करने के लिए। वहाँ जाने के बाद आप खुद जानते हैं, नई जगह, नया रास्ता, बारिश बहुत ज़्यादा तेज, बिजलियाँ कड़कती है और रास्तों का कुछ जानकारी नहीं है, रास्ते सारे टूटे हुए हैं कहाँ कैसे, और 4 मेंबर 5 मेंबर पूरी नाइट गाड़ी चला रहे हैं और वहाँ जाके सेमिनार में हेल्प कर रहे हैं, वहाँ से गुजरात निकल रहे हैं, महाराष्ट्र निकल रहे हैं। मैंने एग्जैक्ट टोटल लगाया तो 3547 किलोमीटर की ड्राइविंग हम लोगों ने इन 6-7 दिनों के अंदर कर ली और सभी को सपोर्ट देते हुए हम लोग आए। आपको मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आप यूट्यूब के ऊपर कहीं ढूंढ के देखो कि ऐसा कौन सा ट्रेनर है, ऐसी कौन सी संस्था है जो ये सुविधा देती हो कि फ्लाइट ना मिले, कोई नहीं, अपनी टीम को कार से भेज दिया और 4000-3500 किलोमीटर के लिए उनको भेज रहे हैं और जाके सपोर्ट कराने के लिए। आफ्टर सेल सर्विस के कारण ही हम लोगों से लोग जुड़ते हैं और हम लोगों उनकी स्कूल करवा पाते हैं। और मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे आने वाले प्रोग्राम के विषय में बता रहा हूँ कि अगर आप 9 तारीख से लगा के 13 तारीख के बीच में अपने क्षेत्र में यूपी में मुरादाबाद के आसपास, मेरठ के आसपास, हरिद्वार, रुड़की, यहाँ के एरिया में अगर आप रहते हैं तो हम लोग उस दिशा में भी आ रहे हैं उत्तराखंड में सेमिनार के पर्पज से। अगर आप नज़दीक में हैं तो आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। और 23 तारीख से लगा के 26 तारीख तक हम लोग उड़ीसा में हैं, तो उड़ीसा के आसपास के डिस्ट्रिक्ट में अगर आप कहीं भी हैं तो हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसी दौरान हम लोग बीच में कोलकाता, वेस्ट बंगाल साइड में भी जाएंगे, तो अगर आप कोलकाता से, हुबली से, हावड़ा से, सिलीगुड़ी से, जहाँ से भी वेस्ट बंगाल में हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जहाँ भी हम नियर बाय में होंगे आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। खुद का विवेक यूज़ करो और डिसीजन लो और इस फील्ड में आगे बढ़ो। थैंक यू, थैंक यू सो मच एक बार फिर से हमारी पूरी टीम का, जिन्होंने अपना मैसेज आप सभी के साथ में शेयर किया, और हमारी आईबी फ्रेंचाइजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में आप लोगों ने इतने गौर से हमें सुना उसके लिए भी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आपके। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नई फ्रेंचाइजी एक्सपीरियंस के साथ और नए नए मैसेजेस के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।